हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के 10 ऐसे महान वैज्ञानिक जिसके आप नाम सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, भारत के 10 ऐसे वैज्ञानिक जिन्हें सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया करती है सलाम। भारत आदिकाल से ही प्रतिमाओं की धरती है और विज्ञान की जन्मदात्री है। भारत भूमि पर विज्ञान ने अक्सर ही अपनी चरम प्रतिष्ठा प्राप्त की है। बारामिहिर से आर्यभट्ट और उत्तरोत्तर APJ अब्दुल कलाम तक भारत ने ऐसे मोती पिरोए हैं जिनकी अन्यत्र कोई कल्पना ही नहीं। वर्तमान भारत की धरती भी वैज्ञानिक प्रतिमाओं की महाउपर भूमि है। इन महान वैज्ञानिकों में से कुछ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। भारत आदिकाल से ही प्रतिमाओं की धरती है। दोस्तों, नंबर एक पर बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे डॉक्टर अब्दुल कलाम पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित कलाम उन लोगों में से थे जिनकी सूची में नाम जुड़ जाने से कोई भी सम्मान अपनी गरिमा प्राप्त कर ले। 1962 में वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो से जुड़े और लगभग 4 दशक तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े रहे। तो दोस्तों, इन्होंने 1947 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरान द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। एक नाविक के बेटे डॉक्टर कलाम को 1997 में भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया था। इनकी प्रसिद्धि की के नाम बीकन्स ऑफ फायर इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम भारत की आवाज़ टर्निंग पॉइंट्स हम होंगे कामयाब टारगेट 3 बिलियन मिशन इंडिया आदि है। तो दोस्तों, नंबर दो पर बात करते हैं CNR राव। 30 जून 1934 को वर्तमान कर्नाटक के बेंगलुरु में जन्मे चिंतामणि नागेंद्र रामचंद्र राव ने संरचनात्मक रसायन शास्त्र पर मुख्य रूप से काम किया है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान IIT कानपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय आदि से जुड़े रहे तथा लीजन ऑफ ऑनर पृष्ठ पुरस्कार एवं भारत रत्न से भी सम्मानित हुए। 45 वैज्ञानिकों पुस्तकों और 1500 शोध पत्रों के लेखक राव को 60 विश्वविद्यालयों ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। वर्ष 2013 में भारत सरकार ने उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया। CV रमन और APJ अब्दुल कलाम के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले वे तीसरे ऐसे वैज्ञानिक है। इस महान वैज्ञानिक को फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द लीगन ऑफ ऑनर सम्मान वर्ष 2008 में अब्दुस सलाम मेडल वर्ष 2013 में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस और भारत सरकार ने सन 1974 में पद्मश्री और सन 1985 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। नंबर तीन पर बात करते हैं जी माधवन नायर। वर्तमान भारत की भारतीय वैज्ञानिक प्रतिमाओं में जी माधवन नायर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। 31 अक्टूबर 1943 को केरल के तिरुवनंतपुरम में जन्मे नायर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के प्रमुख रहे हैं। इनके 6 वर्ष के कार्यालय में भारत ने 25 सफल मिशन पूरे किए हैं जिनमें चंद्रयान भी शामिल है। वर्ष 2009 में वे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ इंस्ट्रोनिक्स के अध्यक्ष रह चुके हैं। पुरस्कार उनको जो मिले हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण, नई दिल्ली में लिम्का बुक ऑफ द रिगार्ड्स, 2009 में मैन ऑफ द ईयर आदि। तो दोस्तों, नंबर चार पर बात करते हैं राकेश के जैन। यह भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। श्री जैन को ट्यूमर बायोलॉजी में महारत हासिल है और वह हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। इन्होंने 600 से अधिक शोधों में अपना योगदान दिया है। श्री जैन को रसौली रक्त वाहिकाओं के बीच संबंध तथा कीमोथेरेपी एवं विकिरण उपचार के क्षेत्र में कार्य कारण
2016 में अमेरिका के बराक ओबामा द्वारा नेशनल मेडल ऑफ साइंस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। यह पुरस्कार अमेरिका का सर्वोच्च विज्ञान सम्मान है। तो दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 पर डॉक्टर के राधाकृष्णन। 29 अगस्त 1949 को भारत के केरल में जन्मे डॉक्टर राधाकृष्णन वर्तमान में भारत के सर्वप्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक है। यह मूल रूप से एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1970 में केरल विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। इन्होंने अपना कार्यकाल 1971 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से शुरू किया था। इन्होंने इसरो के अध्यक्ष रहते हुए GSLV के लिए स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन और मंगलयान को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत ने इनकी देखरेख में ही चंद्रयान और मंगलयान अंतरिक्ष में भेजे थे। तो दोस्तों नंबर 6 पर बात करते हैं AS किरण कुमार। श्री AS किरण कुमार वर्तमान में भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान, भूमि, महासागर, वातावरण और ग्रहों से जुड़े शोध में अपना विशेष योगदान दिया है। इन्होंने ही मंगल ग्रह की ओर भेजे गए मार्स ऑर्बिटर को मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित करने की रणनीति तैयार की है। मंगलयान और चंद्रयान के प्रमुख वैज्ञानिक उपकरणों की खोज के लिए प्रसिद्ध श्री कुमार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों नंबर 7 पर बात करते हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। 24 अक्टूबर 1940 को केरल के एनाकुलम में जन्मे डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन ने मूल रूप से खगोली विज्ञान के क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान दिया। ये PSLV FGSLV से सीधे तौर पर संबंधित रहे। इनके नेतृत्व में ही चंद्रयान इनसेट 2 भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह IRS-1A तथा 1B की सफलता इनके साथ जुड़ी है। विज्ञान में इनके योगदान के लिए इन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कॉस्मिक एक्सरे व गामा रे स्रोतों तथा निरंतर वायुमंडल में कॉस्मिक एक्सरे के प्रभाव संबंधी अध्यक्ष में व्यापक व महत्वपूर्ण योगदान किया है। तो दोस्तों नंबर 8 में बात करते हैं उडुपी रामचंद्र राव। 10 मार्च 1932 को कर्नाटक में जन्मे श्री राव का अंतरिक्ष विज्ञान में विशेष योगदान रहा है। ये लंबे समय तक भारतीय विज्ञान की सेवा करते रहे हैं। इसी कारण भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। ये मद्रास विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं। पुरस्कार जो इन्हें मिले हैं, पद्म भूषण ग्रुप अचीवमेंट पुरस्कार, नासा थियोडोर वर्नकरन पुरस्कार, विमानव पुरस्कार आदि। उन्होंने 1975 में प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट सहित 18 से अधिक उपग्रह अभिकल्पित और प्रमोचित किए गए। तो दोस्तों नंबर 9 पर बात करते हैं सतीश धवन। 25 सितंबर 1920 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में जन्मे श्री सतीश धवन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रणेताओं में से एक थे। यह भारतीय विज्ञान संस्थान से 20 वर्षों तक जुड़े रहे। विज्ञान के प्रति इनके योगदान के लिए इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इनकी सर्व प्रमुख वैज्ञानिक खोज धवनी से तेज रफ्तार विंड टनल का विकास रहा। इन्हीं के नाम पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का प्रशिक्षण केंद्र है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो दोस्तों नंबर 10 पर बात करते हैं वेंकटरमन रामाकृष्णन। वेंकटरमन रामाकृष्णन का जन्म 1952 में तमिलनाडु के कडालोर जिले में स्थित चिदंबरम में हुआ था। इन्हें 2009 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें यह पुरस्कार कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना के गहन अध्ययन के लिए अन्य 2 वैज्ञानिकों के साथ दिया गया था। अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों को इनके लिए हुए कार्यों की सहायता से कारगर प्रतिजैविकों का विकास करने में सहायता मिल सकेगी। श्री रामाकृष्णन वर्तमान में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के MRC लेबोरेटरीज ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के स्ट्रक्चरल स्टडी विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।